हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल चांदनी स्लैम बुक। आज ना मेरे घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ क्राफ्ट रिलेटेड काम किया जाए, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई क्राफ्ट वर्क किया नहीं था। और जब खाली टाइम होता है तो जैसे दूसरे लोग अपनी हॉबी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो बस मैं भी अपने खाली टाइम में सोचती हूँ कि कुछ बनाऊँ, तो उससे मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ डेकोरेशन जैसा ही कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, उस पर मैंने कुछ पतले पतले लाइंस खींच लिए हैं पेंसिल से, ताकि सबकी जो मोटाई है या लंबाई है या कुछ भी है वो एक जैसी हो। तो इसलिए पहले मैंने निशान लगा लिए हैं, और मेरे पास ये जो कटर है उसके हेल्प से मैं इसे कट कर रही हूँ, मतलब अलग कर लूँगी इस तरह से पतली पतली लाइनिंग। और इस तरह से अलग करने के बाद अब सीजर के हेल्प से इसको एक बराबर, इसमें मैंने निशान नहीं लगाया, बस अंदाजे से इसको एक बराबर में इस तरह से कट कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इकट्ठा कर लिया है जितना मुझे चाहिए था, कम पड़ेगा तो और भी कट कर लूँगी। तो ये जो वाइट वाला आप बॉक्स देख रहे हैं, ये उस दिन जो डायरी गिफ्ट मिला था उसका बॉक्स है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल यही कार्डबोर्ड है, तो मुझे लगा यही कर लेते हैं। बट ये काफ़ी पतली थी, ये ना एक्चुअली कार्डबोर्ड भी नहीं था, ये तो एकदम जो पतली सी दफ्ती होती ना वैसी थी। तो कोई बात नहीं, मैं सोच रही हूँ कि ये जो ब्लिंकिट वाला पेपर होता है वो काफ़ी थिक होता है, तो उसको डबल कोट कर दूंगी तो शायद से मेरा काम चल जाएगा। और वैसे भी मेरे क्राफ्ट्स तो बिल्कुल जुगाड़ पे ही होते हैं, तो मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा के इस पे ये पेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए और मतलब मेरा काम बस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं बहुत अच्छे से इसे लगा रही हूँ, ताकि ये बाद में ऐसा ना हो कि निकल जाए, क्योंकि सारे काम जो भी करने हैं मुझे तो इस पेपर के ऊपर ही करने होंगे, तो इस वजह से अच्छे से पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन जैसा बना लिया ग्लू का, फेविकॉल का, और इनको एक एक करके प्लेस कर दूंगी जैसे ब्रिक पैटर्न होता है ना उसमें। लेकिन ख्याल रखिएगा, जो एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक की, ये तो ब्रिक नहीं है, मतलब जो भी है कार्डबोर्ड कट किया है, वो पीसेस एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, चाहे ऊपर नीचे हो चाहे आसपास हो, उनके बीच एक गैपिंग हो। और यही गैपिंग जो होता है, इसी को सेट करने से प्रॉपरली आपका जो वो ब्रिक पैटर्न है वो निकल के सामने आता है। तो देखिए, मैंने पूरा सेट कर लिया है, तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और अब मैं थोड़ा सा पानी लिया है मैंने, और उसमें थोड़ा सा फेविकॉल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ फेविकॉल लेंगे तो काफ़ी थिक हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से एक मिक्सचर बना लिया है। और देखिए, यहाँ पे एक टिश्यू पेपर मेरे पास, वो भी जुगाड़ वाला है, क्योंकि उस पर आपको किसी रेस्टोरेंट का नाम प्रिंट दिख रहा होगा, तो हाँ ये बिरयानी ब्लूज़ का है, तो मैं रख लेती हूँ एक्स्ट्रा, कभी कभी क्लीनिंग के काम में आ जाती है, किचन में ऑयल वगैरह गिर जाता है तो अलग से वो मतलब क्लोथ से उठाओ तो क्लोथ बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से उस टिश्यू पेपर काफ़ी सही होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ना टिश्यू पेपर को उस जो मिक्सचर मैंने बनाया था उसके हेल्प से इस पर स्टिक कर रही हूँ, और जो साइड से बच गए थे दोबारा मैं एक लेयर और इस पर लगा रही हूँ। ऐसे टुकड़ों में है वो, लेकिन फिर भी चपकने के बाद इसमें ये कोई समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, अब मैं दूसरा जो बॉक्स, मतलब उसी बॉक्स का जो दूसरा साइड था, उसमें कुछ पेड़ पौधे बना रही हूँ। पौधे तो नहीं है, बिल्कुल सूखा बंजर टूटा हुआ एक पेड़ बना रही हूँ, और उसमें मैंने कुछ पहले ड्रॉ कर लिया और पेंसिल से कर रही हूँ। डायरेक्ट तो करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, क्योंकि मेरी पेंटिंग इतनी भी खास नहीं है, तो चलिए फटाफट इसको ब्लैक पेंट से पेंट कर लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद इसको कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस वीडियो को आप मेरे लास्ट क्राफ्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन या सेकंड पार्ट भी बोल सकते हैं। तो चलिए, बातें करते करते ये पेड़ जो है वो सूख चुका है, तो अब इसको काट लेते हैं, मतलब ये तो होता ही है, सूखे पेड़ कट जाते हैं। तो जो भी हो, यहाँ पे मैं अब कलर कर रही हूँ, तो ब्रिक कलर बनाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्राउन में, मतलब ब्राउन में थोड़ा सा रेड टच दे रही हूँ, ताकि वो प्रॉपर ब्रिक कलर मुझे मिल जाए। तो मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर में ना पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश की, तो ये टिश्यू पेपर है ना, तो ये ऐसे अब्जॉर्ब कर रहा था कि स्ट्रोक नहीं पड़ रहे थे ब्रश के, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब पूरा पेंट करने के बाद थोड़ा सा ब्लैक से जो गैपिंग है उसमें थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ उस गैप को,
तो ये नहीं भी करते तो भी चलता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं इसको वो बुक में जैसे बनता है ना प्रिंट वगैरह, उस तरह से बनाने के लिए थोड़ा सा इस तरह से इस गैपिंग को हाईलाइट कर रही हूँ ब्लैक से। आप चाहे तो डार्क ब्राउन में, मतलब उसी कलर में थोड़ा सा ब्लैक टच दे के भी कर सकते हैं, तो मैं इतना नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट ब्लैक से कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने लास्ट ब्लॉग में बनाया था, इसीलिए मैंने इसको पार्ट 2 कहा लास्ट क्राफ्ट वीडियो का। तो अब मैं इन दो बर्ड्स को यहाँ पे अच्छे से फेविकॉल लगा के स्टिक कर दूंगी ताकि ये गिरे ना, क्योंकि ये काफ़ी भारी है, व्हाइट सीमेंट से बना हुआ है। तो देखिए ये अच्छे से जब ड्राई हो जाएगा तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा, आप किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।